नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सी क्लास लेकर आया हूँ जो मॉडल टॉपिक पर आधारित है। और आज की जो क्लास है वो मॉडल चैप्टर की लास्ट क्लास है। तो आज का जो क्लास होगा वो सेशन होगा किस पर आधारित है? आउट टू पर आधारित है। किस पर? आउट टू पर आधारित है। अब आउट टू क्या होता है भाई, आपके सामने मौजूद है। आउट टू क्या होता है? अब आउट टू का प्रयोग भी हम मस्ट की तरह ही करते हैं। किसकी तरह? मस्ट की तरह ही करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी होगा चाहिए। क्या चाहिए? जिस प्रकार से हम मस्ट का यूज करते हैं उसी के समान रूप से हम किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सभी क्लासों में जाना कि किस प्रकार से हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो अभी आइए हम पढ़ते हैं आज आउट टू। आउट टू का प्रयोग बेटा, इसका यूज भी मस्ट के समान होता है। मस्ट के समान होता है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी बनाने के लिए आपको पूरा ध्यान कहाँ पर रखना होगा? बोर्ड पर रखना होगा। तो देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, आपकी नैतिक आभार, नैतिक बंधन, आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए उनको व्यक्त करने के लिए हम आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को क्या करते हैं? इनको एक्सप्रेस करने हेतु, इनको व्यक्त करने हेतु बेटा हम यूज करते हैं आउट टू का। किसका यूज करते हैं? आउट टू का यूज करते हैं। तो अब देखिए, आप किस प्रकार से आभार व्यक्त करोगे? देखो, वी आउट टू डू आवर ड्यूटी। हमें हमारे कर्तव्य को करना चाहिए, हमें हमारे नैतिक बंधनों को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? आउट टू का यूज करेंगे। तो देखो, यू आउट टू रेस्पेक्ट यूअर एल्डर्स, तुम्हें तुम्हारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो क्या हो गया? हमारी ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग होगा? आउट टू का। देखिए यहाँ पे, वी आउट टू लव आवर कंट्री। हमें हमारे देश से, हमारे वतन से प्रेम करना चाहिए। क्या है बेटा? आपकी मॉरल ड्यूटी है आभार बंधन को व्यक्त करना। क्या कहलाता है? हम बंधे हुए अपने देश से, बंधे हुए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या है? आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है। तो इनको शो करने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको व्यक्त करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। द पेंटर आउट टू पेंट, पेंटर को पेंट ही करना चाहिए, पेंटर को पेंटर ही करना चाहिए, क्योंकि क्या है? उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो इनको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का। वी आउट टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हमें हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। क्या है बेटा? मॉरल ऑब्लिगेशन को स्पष्ट कर रहा है। किसको दर्शा रहा है? शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा? मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका? आउट टू का। जो इसका प्रयोग होता है बिल्कुल मस्ट के समान ही है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चाहिए कि हर दम किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का। किसका? आउट टू का, जो मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी हो सकती है। तो इनको सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो फर्स्ट यूज था आपको आसानी से समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं दूसरे यूज पर कि किस प्रकार से होने वाला है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर ठोकना है। तो आपके सामने आने वाला है प्रोबेबिलिटी कि किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें विश्वास हो, ज़्यादा विश्वास हो, ये हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो चुटकियों में उड़ा दोगे सवालों को। दोस्तों, आपके सामने
आ गया है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के तू इनको दर्शाने के लिए, इसके भाव को बताने के लिए हम यूज करते हैं बेटा आउट टू का। किसका यूज करते हैं? आउट टू का। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम देखेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, तीव्र आपकी जो संभावना है, आपको लगे कि भाई ये हो सकता है, इसकी संभावना बन सकती है, तो प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं हम इसको शो करने के लिए आउट टू का। किसका? आउट टू का। इसको व्यक्त करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं आउट टू का। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है। देखो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जो आपकी तीव्र, जैसे आपकी जो आपको विश्वास हो कि ये संभावनाएं हो सकती है, तो देखो प्राइजेज आउट टू कम डाउन सून, कि जो कीमतें हैं वो शीघ्र, अति शीघ्र क्या आ सकती है? नीचे आ सकती है, मतलब गिर सकती है, कीमतों में गिरावट आ सकती है, आनी चाहिए। गिरावटों में क्या आना चाहिए? कीमतों में गिरावट आनी चाहिए। क्या हो सकती है आपकी? मजबूत संभावना हो सकती है। आपको पता चल गया कि इसमें गिरावटें आ सकती है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करने वाले हैं। देखो दिस बुक आउट टू बी वेरी यूजफुल, ये जो पुस्तक है बहुत ही लाभदायक होनी चाहिए, बहुत ही लाभदायक होनी चाहिए, फायदेमंद होनी चाहिए। तो क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, आपकी जो मजबूत संभावना है, आप पता कर सकते हो कि ये किताब आपकी बहुत ही लाभदायक हो सकती है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आउटो का प्रयोग करेंगे। तो ये किसको दर्शा रही है? प्रोबेबिलिटी को व्यक्त कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउटो का प्रयोग करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा? आउट टू आ जाएगा। देखो ही आउट टू विन द रेस, उसे रेस जीतनी चाहिए, मैच जीतना चाहिए। तो देखो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? आउट टू का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए सी आउट टू बी इन हर रूम, देखो अगर आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके जाने वाला नहीं है, बाहर जाने वाला नहीं है, बस आपकी मुट्ठी में होगा। देखो सी आउट टू बी इन हर रूम, उसे अपने कमरे में होना चाहिए। क्या करा? प्रोबेबिलिटी, तीव्र संभावना व्यक्त कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। तो किसका यूज करेंगे हम? आउट टू का यूज करने वाले हैं। ही डोनेट्स, ही आउट टू बी ए काइंड पर्सन, वह दान करता है, डोनेट करता है, उसे दयालु व्यक्ति होना चाहिए, वह एक दयालु पुरुष होना चाहिए। क्या हो रही है? अपनी स्ट्रॉन्ग जो अपना विश्वास है, तो हम बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको इन सेंटेंसों के माध्यम से आउट टू का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास कैसी लगी? और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्लास आज यही समाप्त होती है, और आपका जो मॉडल चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित, किसी भी मॉडल से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, राधे राधे। Thank you.